शिवसेना ने श्रीलंका की तर्ज पर भारत में भी बुरका और नकाब बैन करने की मांग की है। शिवसेना ने आतंकी हमले रोकने के लिए बुरके बैन को जरूरी बताया है, लेकिन बीजेपी ने बुरका बैन के मामले पर शिवसेना का साथ देने से इनकार कर दिया है। वहीं ओवैसी ने मुस्लिम महिलाओं के खिलाफ नफरत फैलाने की कोशिश का आरोप लगाया है। शिवसेना ने पीएम मोदी से बुरका और नकाब पर प्रतिबंध लगाने की मांग की। शिवसेना ने कहा कि भारत में भी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए बुरका बैन हो। शिवसेना का तर्क, श्रीलंका में आत्मघाती हमलों के बाद बुरका और नकाब पर बैन लगाया गया। शिवसेना ने पूछा, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया और ब्रिटेन में बुरका बैन है तो भारत में क्यों नहीं। शिवसेना ने कहा कि आतंकी हमला रोकने के लिए बुरके पर बैन लगाना जरूरी है। बुरके पर शिवसेना की मांग से बीजेपी सहमत नहीं। बीजेपी ने कहा कि बुरके पर पाबंदी की जरूरत नहीं है। शिवसेना ने श्रीलंका की तर्ज पर भारत में भी बुरका बैन की मांग की है। शिवसेना के मुखपत्र सामना में प्रधानमंत्री मोदी से बुरका पर प्रतिबंध लगाने को कहा गया है। सामना में लिखा है कि राष्ट्रीय हित में आतंकी हमला रोकने के लिए बुरका और नकाब पर पाबंदी लगाना जरूरी है। हालांकि बीजेपी ने शिवसेना की मांग को खारिज कर दिया है। जब 1992 में मुंबई बम ब्लास्ट हुआ था, तब से बात उठ रही है। जब जब मुंबई में टेररिस्ट या देश में, हिंदुस्तान में या विश्व में टेररिस्ट अटैक हुआ है या आतंकवादी गतिविधियां बढ़ी है, तब हर देश में बुरखा और नकाब को बैन करने की बात हुई है। सुझाव देने के लिए हर कोई स्वतंत्र है, पर लेकिन भारत में आतंकवाद को रोकने में मोदी जी की सरकार बहुत अच्छी तरह से सफल हुई, ये पूरे विश्व मानती है, तो किसी प्रकार नए कदम उठाने की आवश्यकता मुझे समझ नहीं आ रही। अगर किसी कारण से और कोई आतंकवादी या अन्य कोई इसका लाभ उठाते हैं और देश को हानि पहुंचती है, लोकतंत्र को हानि पहुंचती है, तो उसमें हमें देश को सर्वोपरि रखकर हमारी कुछ परंपराएं उनको थोड़ा सा हमें उसमें ढील देना चाहिए। AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने शिवसेना पर आचार संहिता के उल्लंघन का आरोप लगाया। ओवैसी ने कहा कि मुस्लिम महिलाओं के खिलाफ नफरत फैलाई जा रही है। कैपिटल लेटर्स में कह रहा हूँ शिवसेना के लिए, CHOICE, चॉइस अब हमारे संविधान में फंडामेंटल राइट है। आप जीन्स पहने, आप बुरखा पहने, नकाब पहने, घूंघट पहने, आप कुछ ना पहने, ये समझने की जरूरत है। क्योंकि शिवसेना ने कुलाटी मारकर जो मोदी का हाथ पकड़ लिया, तो पॉलिटिकली उनके पास अब कुछ छुपाने को है ही नहीं, तो इसीलिए ये बकवास कर रहे हैं। मुझे लगता है भाई, बुर्का पहनकर चलने वाली सभी महिलाएं आतंकवादी होती नहीं है। अगर कोई आतंकवादी है तो उनका बुर्का निकालना चाहिए, लेकिन अभी उनकी ट्रेडिशन है और इसीलिए मुसलमानों को जो बुर्का पहनने वाली जो मतलब उनकी परंपरा है, तो उसके मुताबिक उनको अधिकार है। तो शिवसेना के मत से हम सहमत नहीं है, लेकिन अगर ऐसी कोई आतंकवादी एक्टिविटीज करने वाली महिलाएं अगर बुर्का पहनकर अगर गलत काम करती होगी तो उनका पर्दाफाश होना चाहिए। शिवसेना ने कहा कि श्रीलंका और फ्रांस में आतंकी हमले होने के बाद बुर्का पर पाबंदी लगाई गई। शिवसेना के मुताबिक न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया और ब्रिटेन में भी यही हुआ।